रेडी 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 एकदम रेडी। अस्सलाम वालेकुम हबीबी। जैसे कि अगर आपको टीएमसी प्रॉपर्टी लेनी हो महारेरा अप्रूव्ड फ्रॉम उमरा स्टेशन टू शिलफाटा, तो आपको पेमेंट करना होगा 1% पेमेंट प्लान पे आप फ्लैट बाय कर सकते हो, जिसमें आपका डाउन पेमेंट एक होता है। डाउन पेमेंट देने के बाद एवरी मंथ का आप 1% पेमेंट प्लान पे फ्लैट खरीद सकते हो। हमारे जवान ने जैसे आपको बताया कि आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हो ज़्यादा जानकारी के लिए। अगर संपर्क ना हो सके तो व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, हमारे मेंबर टीम मेंबर से या हमारे मैनेजर से मिलिए, बात करिए, इंशाल्लाह इस ऑफर का बेनिफिट उठाएं। तीन मंजिला से एक मंजिला कैसे हो, तो कैसे हो गया? पूरे हॉस्पिटल को आप लोगों ने मुन्ना भाई हॉस्पिटल बना के छोड़ दिया है। आज वहाँ पर फैसिलिटी नहीं है, पठाने मानकर पानी के पैसा ही नहीं है। मतलब आप भी मानते हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है वहाँ उसके अंदर? हाँ। पानी का जो बजट आया वो कहाँ गया? जो पानी की टाकी बनी उसमें भी बताया जा रहा है घटिया मटेरियल लगाया गया, क्रेक वगैरह भी हो गए थे। हमारे साथ में ये 100 का व्यवहार क्यों? तो फिर 100 करोड़ का बिल उनको क्यों दिया गया? प्रस्ताव रख दिया, कहानी खत्म। थोड़ा वक्त लग रहा है क्योंकि अरे 15 साल तो वक्त लिया। जो भी चीज दिए वो हर जगह तो विवादित रहा, हर जगह कहीं प्रस्ताव नहीं आया, तो कहीं जो खेल का मैदान दिए तो बंद हो गया, स्टेशन के पास बस डिपो खोले तो वो रेलवे की जमीन निकल गई, जहाँ पर घास वाले कंपाउंड में गार्डन बना तो वो स्कूल की जमीन थी। इतना काम किया है ना कि वो पेपर कम पड़ गया। ने कुछ पत्रकारों को बुलाया है, जिस तरीके से आप लोगों पे आरोप लगाए गए नजीमुल्ला द्वारा, हैंगिंग मार्केट को लेकर, अस्पताल को लेकर और कुछ पार्किंग को लेकर, तो इसको लेकर क्या कहना चाहोगे, क्या खंडन करना चाहोगे आरोपों? अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय भीम, सत श्री अकाल। मुद्दा बात क्लियर करने का मकसद यही था कि कोई हम पे इल्ज़ाम जो झूठी झूठी हमारी बातें जो हमारे पे थोपना चाह रहा है, ये सब बातों को हमको खंडन करने के लिए हम यहाँ बैठे हैं आपके सामने। मसला ये है कि हॉस्पिटल जो बताया जा रहा था कि 4 माले का था, 3 माले का था, 2 माले का हुआ है, तो हॉस्पिटल का जो पहला प्रस्ताव था वो जो प्रस्ताव पहले 3 माले का था या 4 माले का था, मगर उस टाइम ठाणे महानगर पालिका की एक्वायर की ही जगह ये छोटी थी, इसलिए उसका प्रस्ताव उस टाइम वो 3 माले का 4 माले का लिया गया था। मगर उसके बाद ठाणे महानगर पालिका ने उसके पीछे की जगह जो एक्वायर करने के बाद वही हॉस्पिटल जब उनको 2 माले पर मिला, 2 माले पर करने मिला उतना ही एरिया, तो लोगों ने उस टाइम प्रस्ताव जब अपना आमदार डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब चुन के 2009 में आए, जब थाने महानगर पालिका ने पाठ प्रवाह करने के बाद जब प्रस्ताव पेश किया तो थाने महानगर पालिका ने बोला कि आपके प्रस्ताव को हम मंजूरी देते हैं, और उनने फिर वो प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए फिर वो फाइल बनी गई। फाइल में सार्वजनिक बांधकाम विभाग के जो रूल रेगुलेशन है, SSR की जो रेट्स है, उस वो हिसाब से एब्स्ट्रैक्ट बना के वो JE ने फिर डेप्यूटी एग्जिट इंजीनियर ने फाइल बना के उसको पुटअप किया, वो पुटअप सिटी इंजीनियर पे चले गई। सिटी इंजीनियर के डिप्यूटी कमिश्नर, कमिश्नर जब फाइल मंजूरी के लिए जाती है तो कम से कम वो 8 दिन उनके पास फाइल रहती है, क्योंकि वो उस पर स्टडी करते हैं। स्टडी करने के बाद वो IS ऑफिसर है, जब उनने उस पर मंजूरी दी है और वो रूल और रेगुलेशन के थाने महानगर पालिका ने बनाया है। देखो डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब एक कलवा मुमरा के जनप्रतिनिधि है, वो प्रस्ताव रखेंगे ठाणे महानगर पालिका पर, और ठाणे महानगर पालिका को प्रस्ताव मंजूर करके उस पर हॉस्पिटल कैसा लाना, क्या लाना, कैसा करना है वो ठाणे महानगर पालिका काम है, अवार्ड साहब का उस पर प्रस्ताव, वो ठाणे महानगर पालिका पाठ पूरा करके हॉस्पिटल मुमरा में लाया। अस्पताल को इतना टाइम क्यों लगा शुरू होने, अभी तक भी शुरू नहीं है, 2023 आ चुका है इसी के, क्योंकि ठाणा महानगर पालिका के आज भी माली हालात, रेवेन्यू जो है वो खस्ता हालात है, पैसा ठाणे महानगर पालिका के पास नहीं है, इसलिए आज भी देखो कि कोई भी नया प्रस्ताव ठाणे महानगर पालिका एक्सेप्ट नहीं कर रहे, क्योंकि पुराने प्रस्तावों को पैसा देने के लिए उनके ठाणे महानगर पालिका के पास पैसा ही नहीं है, तो इसीलिए फ्लो में चालू नहीं है। इसीलिए तो बीच में किसी ने RTI एक्टिविटीज ने जो थाने हाईकोर्ट में एक रिट पिटीशन डाला है कि अभी तक हॉस्पिटल फुल फ्लो में चालू क्यों नहीं हुआ है। इसीलिए जो आप उसमें JJ के कोई डॉक्टर्स है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है और एक कोई वकील है, उसके ऊपर एक टीम बनाई गई है और वो टीम हाई कोर्ट को प्रस्ताव पेश करेगी और अभी के हालात के बारे में बताएगी। महानगर ने साफ तौर पर कहा है कि सिर्फ बिना प्लानिंग किए, बिना कुछ सोचे समझे आप लोगों ने आनंद फानंद में हॉस्पिटल का ओपनिंग कर दिया, ना उसमें कोई डॉक्टर है, ना कोई और कुछ मशीनरी है, सिर्फ ओपनिंग कर दिया, जो कचड़े में लड़के काम करते हैं वही लड़के हॉस्पिटल में जाते हैं, पूरे हॉस्पिटल को आप लोगों ने मुन्ना भाई हॉस्पिटल बना के छोड़ दिया है। देखो आरोप लगाना एकदम इजी है,
किसी भी फट से आरोप लगा सकता है और जो काम करता है उसे भी आरोप होते हैं। नहीं नहीं गलत क्या क्या नजीब नहीं गलत ये यही गलत यही किया गया है कि थाने महानगर पालिके ने उस हॉस्पिटल को बनाया थाने डॉक्टर तीन माले चार माले से एक माला आ गया। अरे थाने महानगर पालिका का प्रस्ताव उन्हीं का था, एनसीपी का जो मैनिफेस्ट जारी हुआ था उसमें तीन माला था, जिसपे तीन माला था उसके बाद मैं आपको ये बता रहा तो हूं। वही तो बोला नजीमुल्ला नहीं आनंद फानंद में बिना सोचे समझे आप लोग ढोल नगाड़ा पीट देते हैं कि तीन महीना तीन मंजिला चार मंजिला। आपको इस बारे में आप गलत आपको मालूम आता है, मैं आपको बता रहा हूँ कि पीछे की जगह उस टाइम एक्वायर नहीं थी, थाने महानगर पालिका ने की नहीं थी, इसलिए जब जगह एक्वायर हुई तो तीन मंजिला से एक मंजिला कैसे हो गया। तो थाने महानगर पालिका ने प्रस्ताव में एब्स्ट्रैक्ट पे एसएसआर थाने सार्वजनिक बांधकाम के रूल रेगुलेशन के हिसाब से ही वो हॉस्पिटल को मंजूरी मिली है। अच्छा ठीक है बबलू भाई, जैसे आप बता रहे हो तीन माले की बात कर, अभी एक माला बने, तीन माले की इसमें वो 54 करोड़ रुपए लगने वाले थे लागत जो थी, लेकिन अभी एक माले में 154 करोड़ कैसे लगे। देखो आपको इस बारे में गलत सवाल पूछ रहे, क्योंकि थाने महानगर पालिका ने जब उसके ऊपर प्रस्ताव रखा गया था और प्रस्ताव के बाद जैसे जैसे काम बढ़ते गए उसमें एमिनिटीज और बढ़ती गई, उसमें अवर साहब ने कई कई चीज में बोले हमको यही भी फैसिलिटी चाहिए, ये फैसिलिटी चाहिए, आज इतना बड़ा हॉस्पिटल बन रहा है हर फैसिलिटी से उपलब्ध होना चाहिए कि तकलवा उमरा की आवाम जो कदीवा की आवाम जो हॉस्पिटल में आए तो कोई चीज़ से उस पर कोई चीज़ पे नहीं रहे तो किसी चीज़ की तकलीफ नहीं होना चाहिए। इसीलिए अमाउंट जैसे जैसे साल गुजरता गया साल बढ़ता गया उसके रेट्स बढ़ते गए उसके लिए और पैसों की मंजूरी लेके हॉस्पिटल को मुकम्मल किया गया। अभी देखो नजीमुल्ला वही तो कह रहे हैं कि आप लोग सिर्फ बिना प्लानिंग बिना कुछ सोचे समझे ओपनिंग करने के बाद फिर बजट पे बजट बढ़ाते जा रहे हैं, कुछ उसको फुल फेस में चालू नहीं हो रहा है, एक डिस्पेंसरी लेके गए उसमें रख चालू करा दिए, ये आपको गलत बात तो सही क्या है क्या सही बता रहा फुल फेस में हॉस्पिटल चालू है चालू है बबलू भाई, लेकिन काफी सारे पेशेंट को कलवा पे रेफर किया जाता है तो क्यों ऐसा मैटरनिटी चल रहा है ना उधर। तो देखो मैटरनिटी जब सीजरिंग की बात आती है तो उसमें फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होने के बाद इसको प्रिपेयर किया जाता है शिवाजी हॉस्पिटल। अच्छा ठीक है आप मैटरनिटी की बात कर रहे हैं, इक्विपमेंट्स की बात कर रहे हैं, इक्विपमेंट्स नहीं उधर हाईकोर्ट में एफिडेविट दिया था थाना महानगर पालिका ने कि पूरे इक्विपमेंट्स रेडी हो गए 2022 में, फिर 2023 में उन्होंने फिर एक एफिडेविट दिया कि अभी तक इक्विपमेंट्स नहीं हुए, 45 करोड़ रुपए कुछ और देने की मांग कर रहे हैं उन्होंने थाना महानगर पालिका, तो क्यों ऐसा। सर ये ऐसा है, ये जो सवाल है अभी आपने कहा कि थाने महानगर पालिका ने एफिडेविट दिया और थाने महानगर पालिका ने जो है बोला कि हमने वहाँ पर ये है, तो ये सवाल तो हमको थाने महानगर पालिका से बोलना करना चाहिए कि आपने एफिडेविट दिया है जब कोर्ट के अंदर कि हम सारी मशीनरी के साथ में हम ये चीज को शुरुआत करेंगे, तो फिर वो थाने महानगर पालिका का काम है कि थाने महानगर पालिका उसका जवाब देना चाहिए। और आप सवाल आपको ये सवाल थाने महानगर पालिका से पूछना चाहिए जब आपने एफिडेविट दिया तो ये चीज क्यों नहीं। तो आप सब भी आप तो पार्टी के लोग आप लोग भी तो हम उसका फॉलोअप हमारे सारे नगर सेवक लेते हैं, सारे नगर सेवक की हमारी बाकायदा कमिश्नर साहब जब विपिन शर्मा उस टाइम पर जब विपिन शर्मा जब वो टाइम पर नगर सेवक थे अपना सॉरी कमिश्नर थे तो उस टाइम पे सारे नगर सेवक उनसे मीटिंग लिया था और सारे हालात हाजरा की उनको जो है सारी जानकारी दी थी। उस वक्त उन्होंने कहा था कि हम ये चीज़ को जो है करके इसको कुछ ना कुछ अपना बजट का प्रावधान करके हम इसको आगे शुरुआत करेंगे। उसके बाद हमारे अपोजिशन लीडर अशरफ शामी पठान जब वहाँ पर कुर्सी पर बैठने के बाद सबसे पहला उन्होंने जो काम हाथ में लिया वो हॉस्पिटल का लिया, और जब 2021 और 22 का जब बजट सत्र आया उस बजट सत्र में सबसे कोविड काल होते हुए भी अशरफ शानू पठान ने सबसे पहला बजट 30 करोड़ का बजट मंजूर जो है हॉस्पिटल के लिए कराया था, और हॉस्पिटल कराने के बाद उसके बाद ही फिर बाद में सारे लोग कमिश्नर साहब थे उसके बाद में सिटी इंजीनियर थे सारे लोग थे उन सब के जॉइंट मीटिंग लेकर उन्होंने फिर ये चीज़ को कराया कि किसी भी हाल में हॉस्पिटल को जो है अगले 2 महीने में आप शुरुआत करेंगे, जिसका राइटिंग उन्होंने लिख कर दिया कि हम मई महीने के अंदर जो है और प्लस कॉन्ट्रेक्टर 2021 में 22 में 2021 में तो अभी 2000 शाकिर भाई अभी 2023 चल रहे हैं लेकिन अभी भी फुल फ्लैश हॉस्पिटल चालू नहीं हुआ। फुल फ्लैश हॉस्पिटल नहीं चालू करने की वजह ये जो है थाने महानगर पालिका की नाकामी है कि उस नाकामी को ये जो अपना प्रेजेंटेशन जो है महाराष्ट्र शासन को नहीं दे पा रहे, क्योंकि हॉस्पिटल को जो मैन पावर है जैसे डॉक्टर्स है नर्सेस है वार्ड बॉय जो भी है ये सारी चीज़ें जो है
महाराष्ट्र शासन के पास मतलब आप भी मानते हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है उसके अंदर। भ्रष्टाचार अगर हुआ तो ये सवाल तो महानगर पालिका, जैसा कि बबलू भाई ने कहा है और इस्लामुद्दीन भाई का सवाल था कि बोले कि तीन माले का दो माला कैसे हुआ, बबलू भाई ने बताया कि वो जगह पीछे की जैसे जो पहले लैंड थी वो लैंड कम थी, उसके बाद में लैंड बड़ी हो गई, जब लैंड बड़ी हुई तो हमने फिर उसको प्रस्ताव ये गया कि भाई इसको जो हम जो थर्ड फ्लोर लेके जा रहे हैं उसको ऊपर नहीं जाते हुए उसको लैंड को जो लेकर हमने रिकवर किया उसी के अंदर 100 बेड का हॉस्पिटल बनी। पहले ये चीज़ थी 10 करोड़ से गई 54 करोड़ जाने के बाद फिर उसका बजट बढ़ता गया और बढ़ने के बाद में जब ये लैंड ग्राउंड प्लस 3 की थी उस वक्त 54 करोड़ रुपये थी, लेकिन आप ये देख रहे हो, आप ये देखो कि लैंड ग्राउंड प्लस जब 3 बन रहा था उस वक्त उसका FSI उसको कितना उसका स्ट्रक्चर जो RCC वर्क था वो कितना हो रहा था, और अभी जो लैंड के ऊपर जो ग्राउंड फ्लोर का RCC जो स्ट्रक्चर बना है उसका उसकी लेंथ कितनी है, वो उसका कितना उसका डायरेक्ट कितना बड़ा 100 बेड है हॉस्पिटल में, 100 बेड का हॉस्पिटल है वो, लेकिन नहीं मैंने आपसे कहा कि 100 बेड का हॉस्पिटल, 100 बेड वहाँ पर 100 बेड की फैसिलिटी आज वहाँ पर फैसिलिटी नहीं है। आज ये सवाल कब होगी, मुमरा की जनता को कब तक लॉलीपॉप मिलेगा? हम जो बैठे हैं ना कॉर्पोरेशन के अंदर, हम कॉर्पोरेशन में अपोजिशन में बैठे हैं, विरोधी पक्ष विरोधियों का विरोध करना हमारा इसका सवाल है। ये सवाल बार बार हमने महासभा के अंदर उठाया है। सत्ताधारी पार्टी जब उसमें रहती है तो हमको वहाँ पर हर चीज के लिए लड़ना पड़ता है। सत्ताधारी पार्टी तो अभी आई है ना, सत्ताधारी होता है भाई, हम तो यहाँ पर अपोजिशन का काम कर रहे हैं। आपने सत्ताधारी हमको किधर बनाया है? सिर्फ मुमरा से लेकर शिव फाटक तक हमको अपने सत्ताधारी पार्टी बनाया, लेकिन कॉर्पोरेशन जिसका मेयर बैठता है और जहाँ मेयर बैठता है वो कॉर्पोरेशन जो सत्ताधारी शिवसेना की है। आज आपको मैं बताता हूँ, रीमॉडलिंग के ऊपर बात चल रही है, रीमॉडलिंग का प्रस्ताव जो है इसके रीमॉडलिंग का प्रस्ताव महासभा के अंदर आया, इसकी मांगनी हमारे डॉक्टर जितेंद्र रावत साहब ने की विधानसभा के अंदर, अशोक चौहान इस वक्त में जल संबंधन मंत्री होते हुए, वो उसको करते जब वो चीज़ 2015 में अम्बल बजुली में आई तो उस वक्त में संजू जायसवाल साहब के टाइम पर वो प्रस्ताव जो है फिर शासन से जो है कॉर्पोरेशन के अंदर। शाकिर भाई, नजीब मुल्ला ने रिमॉडलिंग जो पानी का है इस पर भी सवाल उठाया है कि 200 करोड़ रुपए इस पर जो थे वो कहाँ गया बजट पैसा? थोड़ा मैं इसमें तो ना आपका सवाल अच्छा था तो इसको मैं थोड़ा सा जरा और थोड़ा फ्लैश बैक में जाकर है ना तफसील से ये चीज़ को मैं थोड़ा, क्योंकि ना पानी की टाँकी कई जगह बनी, 3-4 जगह और भी ऐसे हैं जहाँ जगह देखकर छोड़ दिया गया है। जो पानी की टाँकी बनी उसमें भी बताया जा रहा है घटिया मटेरियल लगाया गया, क्रेक वगैरह भी हो गए थे, पुराने पाइप डाले गए, ये भी सवाल उठ रहा था। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि बहुत से इंटरव्यू देखे, बहुत सी चीज़ें हुई कि बोले कि भाई विकास 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 के नाम को लेकर, लेकिन जो डेवलपमेंट का काम हुआ है, जो चेंजेस आया है 2009 के बाद में, 2009 हुआ, 2009 के अंदर आमदार का इलेक्शन हुआ, आमदार जितेंद्र रावत साहब यहाँ के MLA बने, फिर 2012 का कॉर्पोरेशन का इलेक्शन हुआ, कॉर्पोरेशन में ज़्यादा से ज़्यादा सीट NCP की आई, NCP की ज़्यादा सीट आने से विरोधी पक्ष नेता जो है NCP का आज ठाणे महानगरपालिका में बैठा है, और उसी के साथ साथ जब फिर 2017 का इलेक्शन हुआ, 2017 में भी राष्ट्रवादी की सीट ज़्यादा आई, कलवा और मुमरा से लेकर ठाणा से भी कुछ सीटें आई, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा सीट जो है कलवा मुमरा के अंदर आई। जब कलवा मुमरा के अंदर आई ना तो NCP जो बैठी तो विरोध में बैठी, उसके बाद में NCP विरोध में बैठी, वो जीत नहीं पाई। ये पूछ रहा हूं, पानी का जो बजट आया वो कहां गया? पानी का बजट आया, ये भी सवाल, पाइपलाइन जो बिछाने का बजट आया वो कहां गया, ये भी सवाल आपका अच्छा है। ये सवाल जो हम आपसे, मैं भी खुद या आपसे, आपके न्यूज के माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से, मैं खुद शासन से, महानगर पालिका से, कमिश्नर से, हम भी ये सवाल करते हैं कि 210 करोड़ रुपए जब आया है मुमरा और दीवा के लिए तो वो पैसा कहाँ गया? हम भी चाहते कि इसकी इंक्वायरी हो। लाया किसने था? हाँ, किसने लाया था ये प्रस्ताव? ये सवाल आपका बहुत अच्छा है कि लाया किसने था। अभी जैसा मैं अगर आपको बोलूँ कि एक नगर सेवक और एक आमदार, इसमें अंतर है ना तो हमारे आमदार जितेंद्र रावत साहब ने विधानसभा के अंदर ये चीज़ की मांग रखी अशोक चौहान साहब के सामने। अगर मैं गलत बोलूँगा तो
ये चीज जो है बजट बजट किसके पास आया वो मैं पूछ रहा हूँ, मांग बता रहा हूँ ना, किसके पास बजट आया वो बताओ। तो ये बता रहा हूँ ना कि जब मांगनी उन्होंने की थी और मानी मांगनी फिर शासन से जो है कॉर्पोरेशन में जो संजू जायसवाल साहब ने ये चीज को मंजूरी दी है 210 करोड़ की मंजूरी मिली महासभा से, ठाणे महानगर कॉर्पोरेशन से। ठाणे महानगर कॉर्पोरेशन ने उसको बजट दिया, बजट देने के बाद में डायरेक्टली काम शुरू हुआ। शुरू होने के बाद में जिसके अंदर जो है ना ESR और GSR बनने का इसमें प्रस्ताव था। ESR GSR बनने के लिए प्रस्ताव जो होता है कि बाद में फिर ये मीटिंग हुई कि ESR बनाने के लिए हमको जो है ऊंचाई पे जाना पड़ेगा जिससे पानी का प्रेशर नहीं बनेगा। फिर दूसरी मीटिंग फिर आवाड़ साहब ने संजू जायसवाल साहब से की जिसमें 22 कोटी का सम्प एंड पम्प का एक प्रपोजल आया, जिसकी मीटिंग आवाड़ साहब और संजू जायसवाल साहब की मीटिंग हुई। वो प्रस्ताव के अंदर जो है ये प्रस्ताव रखा गया कि सम्प पम्प बनाया जाएगा जिसमें 7 पम्प मंजूर हुए। रेती बंदर गाँव देवी जान के संपम पम्प के रेडी है। उसके बाद आप आएंगे सुमनता स्कूल, फिर उसके बाद में आएंगे अलमस कॉलोनी, फिर उसके बाद जाएंगे आप MM मिली और चांद नगर, ऐसा करके। और एक अभी अंडर कंस्ट्रक्शन रेडी है देवरीपाड़ा के अंदर, ये 6 संपम्प जो है ना रेडी है, 5 संपम्प रेडी है जो चालू हो चुके हैं, 6ठा संपम्प बन रहा है। 7वां संपम्प जो है रेती बंदर का, उसका अभी तक जमीन नहीं होने की वजह से वो काम अभी रुका हुआ है। उसके बाद 2021 में जब अपोजिशन अशरफ शानू पठान जब वहाँ पर जब अपोजिशनर बने तो इन्होंने पानी के मुद्दे को लेकर महासभा को बंद करवाया है। महासभा को आप जाके रिकॉर्ड देख लीजिए, जब यही कहा था, यही बात थी कि रीमॉडलिंग का पैसा जो है जब हमको दिया गया है, आपने मंजूरी दिया है तो काम क्यों नहीं कर रहे हो। ये महासभा के अंदर महासभा में हंगामा हुआ, महासभा को बंद किया गया, जिसका जहाँ तक मेरे ख्याल समझ में आए वो चीज़ को आपने भी कवर किया पानी के मुद्दे पर ही भी अपोजिशन लीडर अशरफ शानू पठान ने महासभा को बंद करवाया था। यही उनका सवाल था, जब हमको बजट दिया जा रहा है तो काम क्यों नहीं हो रहा है, इसी बात को लेकर। उसके बाद फिर उन्होंने आनंद फानंद के अंदर सुमनता स्कूल की संपम और अलमस कॉलोनी का संपम का काम की शुरुआत हुई। आज भी आप देखो सत्ता में, जैसे मैंने अभी इसके पहले सवाल किया बोला था कि सत्ताधारी पार्टी जो है बैठी है, तो हम ये चाहते हैं कि अब इंक्वायरी करो कि उनको अब इतना मिल गया, अब जब काम हुआ नहीं, कुछ हुआ नहीं है, तो फिर 100 करोड़ का बिल उनको क्यों दिया गया और किसकी मंजूरी से दिया गया और क्यों दिया गया। हमको ये कहा गया जब हमने महासभा जब बंद कराई थी, शानू पठान साहब ने जब महासभा बंद कराई थी, उस वक्त ये कहा गया था कि हमारे पास फंड नहीं है, और कॉन्ट्रेक्टर को बोलता है कि हमारे पास पैसा नहीं इसलिए हम काम नहीं करेंगे। उस वक्त उनको 15 करोड़ दिया, फिर थोड़ा काम चालू करने के फिर 5 करोड़, और अचानक अभी इस 2 महीने के अंदर जो है सडनली उनको 80 करोड़ का बिल पास हो चुका है। 210 करोड़ में 100 करोड़ का बिल उनको दे चुका है। जब 100 करोड़ का बिल अगर उनको निकला है तो कैसे निकला, हमारा सवाल अभी ये है। और दूसरी बात पानी का मुद्दा ये है, पानी का टेक्निकल चीज़ ये है, आज दीवा प्रभाग समिति के अंदर जितने भी इनलीगल टाइपिंग हो रही है, इसके पहले हमने मेरा पत्र लेटर है हमने सब दिया था, शानू पठान का भी पत्र लेटर है कि पानी यहाँ पर मुमरा के अंदर पानी टंचा हुई है, इसका समाधान हमको चाहिए। उस वक्त हमको ये कहा कि वहाँ पर सब इनलीगल टाइपिंग हुई है, इनलीगल टाइपिंग को हम कम करेंगे, इनलीगल टाइपिंग वहाँ से हटी और उसके बाद में जो है पानी का प्रेशर बढ़ा। आज फिर वही बात हो गई है, आज फिर यही हो रहा है, आज ये हो रहा है। मुमरा पर्वत समिति के अधिकारी बोलते हैं कि दीवा पर्वत समिति पानी सप्लाई हो रहा है, तो दीवा पर्वत समिति का पानी क्यों सप्लाई हमारे साथ में, ये सौतेला व्यवहार क्यों, आज 100 करोड़ का बिल निकला है तो फिर मुमरा में काम क्यों ना रिमॉडलिंग का, क्यों नहीं ESR GSR बनाया गया। बबलू भाई, 3 बार यहां से विधायक बन चुके हैं जितेंद्र वाट, लेकिन अभी भी हॉकर रोड पे हैं। आप लोगों के तरफ से बहुत दावा किया जाता है 40 फीट चौड़ा रोड हो गया, लेकिन उसमें 20 फीट में तो हॉकर्स बैठे हुए हैं, तो हॉकर्स जोन क्यों नहीं दिया जा रहा है। और नजीब मुल्ला ने यह भी कहा है कि हॉकर जोन एक बार बना के दिया गया था, अगर उसकी इंक्वायरी लगेगी तो एक एक लोग अंदर जाएंगे, कोई बचेगा नहीं। बीच में एक देखो मेरा आपको यही सवाल, मैं भी एक आपको एक चीज पूछू, आपने पूछे अच्छा हुआ इस्लामुद्दीन भाई, आपको क्लियर करना चाहता हूँ। देखो मैं आज भी बोल रहा हूँ कि हमारा प्रस्ताव ठाणे महानगर पालिका को जाता है, फिर आप लोग की जिम्मेदारी कुछ है ही नहीं। अरे हम बोल रहे प्रस्ताव जब हम रखते हैं ठाणे महानगर पालिका, प्रस्ताव रख दिया कहानी खत्म,
अरे काली कतम में कुश्ती के ऊपर तो फॉलोअप पे काम होता है ना। कितने बार यहाँ से विधायक चुन के आए बताओ? तीन बार आया तो रोड पे हॉकर्स क्यों है? अल्हम्दुलिल्लाह, रोड पे हॉकर्स क्यों है? रोड पे अभी देखो कि हॉकर्स का काम अभी और अभी भी हॉकर्स बढ़ते ही जा रहे हैं। आप लोग रोड नहीं ये साफ करा पा रहे हो, हॉकर्स नहीं हटवा पा रहे हो। आप बोले बोलते हैं कि मैं, आप बोलो या मैं बोलता हूँ? आप बोलो ना, आप बोलो कि आप मुझे बोलने दे। मैं बोल रहा हूँ हॉकर्स का मार्केट का प्रस्ताव एआर जो मित्तल में जो है वहाँ बनने जा रहा है, उसके बदले में उसको जो हॉकर्स मार्केट बना के देने का उनको प्रस्ताव दिया गया है। थाने महानगर पालिका जो डेवलपमेंट अभी आने वाला है उसमें हॉकर्स मार्केट की मार्केट वहाँ बनने जा रही है, उसके बदले में उसको उनको पहले वहां से हटा के यहाँ मित्तल में शिफ्ट किया गया ताकि ट्रैफिक के लिए तकलीफ कम हो, मगर बाद में यहाँ लोगों को तकलीफ होने लगी कि यहाँ जब रोड ओपन हो गया तो मार्केट को फिर से वहाँ शिफ्ट कराया गया, मगर आने वाले कुछ एक दो सालों में जब हॉकर्स प्लाजा बन के रेडी हो जाएगा तो उनको वहाँ शिफ्ट किया जाएगा आने वाले कुछ सालों, मगर उसको बनने का है वक्त है, थाने महानगर पालिका उसको बना के देगी तो उसको कुछ वक्त लगेगा, वो वक्त आने वाले कुछ सालों में वो हॉकर्स प्लाजा जब बन जाएगा तो हॉकर्स वहाँ शिफ्ट हो जाएगा। वो जो वहाँ पर पहले बनाया गया था जहाँ शरद पवार ने ओपनिंग की थी वहाँ पर तो हॉकर्स है नहीं, वो जगह वैसे रिजर्वेशन की जमीन वहाँ पे तो उस पर गाले वाले बन गए, वो गाले वाले किसके? नहीं वो जो देखो वो थाने महानगर पालिका की जब वो जगह एक्वायर की गई है थाने महानगर पालिका की जगह, थाने नगर पालिका उस पर इंक्वायरी करे, हमारा उस पर हम थोड़ी उस पर बोल रहे कि किसकी जगह है कौन है क्या बेटा, वो प्रशासन का काम है ना कि उस पर कार्रवाई करे, उस पर इंक्वायरी करे कौन है क्या है। थाने अभी भारत सरकार की सरकार किसकी है? जो सरकार है उस पर इंक्वायरी लगावे। आप तो शासन के मुख्य कमिश्नर के रूल्स है ना, अभी तो नगर सब तो कोई यही नहीं। और दूसरी भी एक बात है कि आप ये हैंगिंग मार्केट की बोला गया क्या? हैंगिंग मार्केट का हमारी मैनिफेस्टो में हैंगिंग मार्केट थी, हमने प्रस्ताव थाने महानगर पालिका को दिया था, इससे हमने मैनिफेस्टो में फेस हुआ और एक पे हमारा लेजर लाइट का भी था मैनिफेस्टो में, हमने उसको मेंशन किया था। मगर जब थाने महानगर पालिका ने प्रस्ताव भारत शासन को भेजी तो शासन ने वो प्रस्ताव को खारिज किया, उसके आगे वो प्रस्ताव नहीं मंजूर हुआ, इसलिए वो हैंगिंग मार्केट नहीं हो सका। इसकी बदौलत एआर में ये चीज को हॉकर्स प्लाजा बनाया जाएगा इंशाल्लाह। इसके अलावा जो बस डिपो है, गार्डन है, प्लेग्राउंड मैदान है, ये सब कहाँ है? नहीं प्लेग्राउंड का अभी तक जमीन का एक्वायर हुआ नहीं है, उसके लिए भी प्रस्ताव डाले आपने? नहीं उसके लिए प्रस्ताव नहीं, उसका भी कुछ प्रस्ताव, क्योंकि अभी अभी अपने पास जब स्टेडियम ऑलरेडी है उस स्टेडियम में तो पैसा लिया जाता है ऐसा बताया। अरे पैसा कोई पैसा नहीं, वहाँ लोग जाए जो सुबह के टाइम पे जो जॉगिंग के लिए चलने के लिए भागने के लिए लोग जाते हैं फ्री में जाते हैं, आपको जाके सुबह चेक करिए। नहीं अगर कोई होता है फुटबॉल होता है तो पैसा लिया जाता है। वो थाने महानगर पालिका का जो रूल्स है मेंटेनेंस है वो मेंटेनेंस करने के लिए थोड़े छोटे परसेंटेज के ऊपर पैसा लिया था और थाने नगर पालिका उसको स्लिप देती। लेकिन बच्चों के लिए खेल का मैदान गार्डन वगैरह क्यों नहीं मिल रहा है? जो मिल रहा है वो भी सब उल्टा सीधा बना के दे रहे हैं। भाई जैसे कि स्टेडियम है, स्टेडियम के ठीक बाजू में और सबने खेल का मैदान दिया गया, लेकिन वहाँ पर जो है कंप्लेन ऐसी है कि बच्चों को वहाँ पे खेलने नहीं दिया जाता है। नहीं वो जगह को अभी बारिश के होने की वजह से वो बीच में थाने महानगर पालिका का डंपिंग का कुछ मसला होने की वजह से वो डंपिंग कुछ कर रहे थे तो उसको डंपिंग को बंद करा के अभी वो अभी बारिश खत्म हुई है तो उसको फिर से जगह को फिर लेवल करके बच्चों को खेलने का लेकिन लीगल तौर पे कम मिलेगा, गार्डन है, खेल का मैदान है, सब कम मिलेगा। देखो अभी क्या है थोड़ा वक्त लग रहा है, देखो अभी अरे 15 साल तो वक्त इतना पूरी जिंदगी ले लोगे क्या बॉस? अभी तुम देख लो ना, रेती बंदर से लेके रास्ता नहीं बना के रेती बंदर का रास्ता, उसके बाद दत्तुवाड़ी का रास्ता बना, ऐसा हो गया वक्त लगेगा, ऐसा लग रहा है कि मतलब तो हर विकास का काम होने के लिए तो टाइम तो लगता है ना, क्या अलाउद्दीन का चीरा 15 साल कम है क्या? निकल गए 15 साल कम है क्या? में दिए ना आपको, आपको देखो ममूरा स्टेशन को आप देख लो क्या दिया, 15 साल में क्या दिए बब्बू भाई? 15 साल में आपको आवाम ने 15 साल में जब 15 साल में खेल का मैदान नहीं दे पाए, 15 साल में बस डिपो नहीं दे पाए,
और जो भी जीतती है, सुनो, जो भी जीतती है वो हर जगह तो विवादित रहा, हर जगह कहीं प्रस्ताव नहीं आया, तो कहीं जो खेल का मैदान दिए तो बंद हो गया, स्टेशन के पास बस डिपो खोले तो वो रेलवे की जमीन निकल गई, जहाँ घास वाले कंपाउंड में गार्डन बना तो वो स्कूल की जमीन थी, हर जगह तो उल्टे सीधा काम करके बैठे। यही चीज तो है, घास वाला मैदान से ही कि आपने कहा कि घास वाला मैदान के अंदर जो है, घास वाला मैदान के अंदर जो स्कूल का स्कूल की जगह है, आप अगर जिन लोगों को मालूम नहीं है, जो अपने को बहुत मतलब पेपर के बहुत अपने को शहंशाह और बादशाह समझते हैं, तो उनको मेरा जवाब है कि आप फिर से उसको निकालिए कारपोरेशन के अंदर, या तो मेरे मोबाइल में अभी मैं आपको दिखा दूँ कि वो जगह के अंदर जो है, उस जगह के अंदर जो है तीन रिजर्वेशन है, घास वाला कंपाउंड के अंदर की जो जगह है तीन रिजर्वेशन है, उस पर एक रिजर्वेशन है, एक रिजर्वेशन है पीजी का, एक रिजर्वेशन है स्कूल का, और एक रिजर्वेशन है मार्केट का। स्कूल की जो रिजर्वेशन की जगह है, स्कूल की 20 घंटे की रिजर्वेशन की जगह, उस पर स्कूल की कंपाउंड वॉल बनी हुई है, 9 घंटे की जो जगह थी, 4 घंटे की जगह थी, उसके ऊपर गार्डन पीजी था, उसके ऊपर प्लेग्राउंड बना हुआ है, और जो मार्केट का रिजर्वेशन था, तो अब ये सवाल उनको करना चाहिए, मार्केट के रिजर्वेशन पे बिल्डिंग बनी हुई है, तो क्या उस बिल्डिंग को, उस बिल्डिंग पे जिस पे मार्केट का रिजर्वेशन बिल्डिंग बनी हुई है उसका क्या, और ये जो गार्डन जो बना है, ये गार्डन बना है गार्डन की पीजी की जगह पे ही बना है, अगर नहीं है तो मेरे पास की जिसको जानकारी नहीं हो, मेरे पास में आकर उसका पूरा जो एक मैप होता है टीएमसी कॉर्पोरेशन का लेखा जोखा, वो सब उसको, और वो बजट से हुआ है, जिसको बजट 2021-2020 में उस बजट को मंजूरी मिली थी, उस बीज उसको मंजूरी ली गई है, और जिसके अंदर उस मंजूरी को मंजूरी के तहत वो काम हुआ हुआ है। ये बात अलग है कि कोई भी अगर उस पर इल्ज़ाम लगाता है वो स्कूल का रिजर्वेशन है, स्कूल का रिजर्वेशन है, वो स्कूल का रिजर्वेशन है, और स्कूल की रिजर्वेशन की जगह पे कुछ नहीं बना है, पीजी की जो जगह है उसी के ऊपर प्लेग्राउंड बना हुआ है, उस पर कुछ नहीं बना हुआ है। और रही बात हमारे काम की लेकर जो है ना, तो 2017 से मैंने तो पहले तो 2017 का था, 2017 से लेकर 2022 का जो कार्यकाल है, तो उसके अंदर वार्ड नंबर 32 के अंदर तो जो है ऑपरेशन अशरफ शानू पठान ने इतना काम किया है ना कि वो पेपर कम पड़ जाए, लेकिन उसको साबित करना अलग बात है। जैसा अभी आप रीमॉडलिंग के ऊपर बात कर रहे हो, तो रीमॉडलिंग का तो हम ये बोलते हैं कि हमारे साथ में सौतेला व्यवहार हुआ है मुंबरा वालों के साथ में, और शीशन हम जो सत्ता में बैठी है ना, उसने हमारे साथ में ये हरकत की है, 100 करोड़ का बिल निकल गया, और उसके बाद भी मुंबरा वालों के अंदर जो रीमॉडलिंग के अंदर पानी की लाइन दे के हम लेटर मांगनी, जबकि हमने हाउस बंद करा दिया, उसके बाद भी जो नहीं हुआ, तो इतना बिल कैसे निकला, और कहाँ पर अब हम इंक्वायरी चाहते हैं आपके माध्यम से कि हमको अब इस बात का जवाब चाहिए कि मुंबरा प्रभाग समिति के अंदर सबसे ज्यादा पानी का लाइन का काम हुआ है क्या, दिवा प्रभाग समिति के अंदर सबसे ज्यादा पानी का लाइन डाली गई, और 100 करोड़ बिल जो निकला है जिसका बाइफर्केशन हम आपके माध्यम से चाहते हैं कि मुंबरा प्रभाग समिति में कितना काम हुआ और उसका बिल कितना बना, और दिवा प्रभाग समिति के अंदर कितना काम हुआ और उसका बिल कितना बना, हम आपके माध्यम से मांग करते हैं। आरोप लगाना इजी है, आप इजीली आरोप लगाते हो, आप देख लो जो शिलपाड़ा से डायरेक्ट जो लाइन आई है पानी की, उसके ऊपर डायरेक्ट टेपिंग की गई है, इसी के वजह से अनलीगल कंस्ट्रक्शन की जितनी टेपिंग है, आप लोग कह रहे प्रेशर कम हुआ है, आप लोग कह रहे कि गार्डन है, खेल का मैदान है, जो साइट बन रही है डेवलपर बना के देंगे, कह रहे हैं ना आप लोग, बराबर, तो क्या वो उस गार्डन में, उस खेल के मैदान में मुमरा कौसा के बच्चे जा सकेंगे, वो बिल्डिंगें बन जाएगी, वो सोसाइटी के लोग बोलेंगे हमारा है, सोसाइटी में आ गया, सुन लो, लोगों के दिल में एक सवाल है ना, एक भ्रम पैदा हो रहा है ना, स्कीम में उनको बना के देना है, बना के दिया जाएगा, लेकिन पता लगा बाद में अंदर हो गया, बिल्डिंग के लोग नहीं आने देंगे, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मुमरा कौसा के लोग सवाल कर रहे हैं कि कहीं ऐसा हो ना जाए, देखिए मुमरा कौसा के लोग ये सवाल नहीं कर रहे हैं, आवाम यहाँ की खुश है जितेंद्र अवार्ड साहब से, और बेमुदिया जो यहाँ की पॉलिटिकल पार्टी और कुछ लोग जो अवार्ड साहब के खिलाफ में काम कर रहे हैं वो लोग ये सवाल कर रहे हैं, तो उनके सवाल का जवाब देने की हमको ऐसा लगता नहीं की जरूरत है, मुमरा में जैसे जैसे काम हो रहा है वैसे वैसे सवाल का जवाब देने का जरूरत नहीं है, फिर आप लोग उनके सवाल बुलाए, देखिए मेरी बात सुनिए, मैं लोकल लोगों की बात कर रहा हूँ, जो ऊट पुटांग जो सवाल जवाब करते हैं उनकी बात कर रहा हूँ, अगर किसी ने कोई आरोप लगाया है तो उसका जवाब मेरे ख्याल से बखूबी बबलू भाई ने और शाकिर भाई ने दे चुके हैं,
दूसरी बात ये भी है कि अनलीगल कंस्ट्रक्शन की जो लाइनें जो टेपिंग हुई है उससे हम थाने महानगर पालिका से हम भी मांग करते हैं कि उस पर त्वरित कार्रवाई की जाए, क्योंकि देखो हमने भी थाने महानगर पालिका में हमने भी रिप्रेजेंट बना के किसी ने अवार्ड साहब ने किसी को भेजा और उनको पावर में विरोधी पक्ष का रखा, वीर स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर रखा, तो हर को किसी को रिप्रेजेंट बनाया नहीं जाता, एक किसी को बनाया जाता, तो पावर आपको दी गई तो उसका फॉलो अप आपका निगरानी आपके नजर के नीचे से कार्य को पेपर जाएंगे तो आपका एक काम है। और आपको 2002 2007 और 2012 में जब अपने अवार्ड साहब ने आपको आपको टिकट दिलाया तो आपका काम है, आपका फर्ज है कि थाने महानगर पालिका में राष्ट्रवादी के अवार्ड साहब के नुमाइंदा बना के वह जब आपको भेजा गया तो आपका फर्ज है कि आपको वहाँ काम करना है। राष्ट्रवादी का काम करें कि हम सत्ता में तो है ही नहीं, हम विरोध में बैठे, थाने महानगर पालिका में सत्ता है, थाने महानगर में शिवसेना की है, तो आपको थाने महानगर पालिका में रिमांड अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजा है तो आपका ये फर्ज था जो आपको काम करा के लिए कोई दिखाता नहीं है ऐसा क्यों? उर्दू लाइब्रेरी, अब मैंने आपको पिछले बार भी बोला था कि उर्दू लाइब्रेरी थाना महानगर पालिका टीएमसी की जो स्कूल है उसके बिल्कुल पीछे आप ग्राउंड प्लस वन का स्ट्रक्चर पूरा बन के रेडी है, आप अभी भी जाके आप जब कॉन्फ्रेंस खत्म होगी जाके आप जाके तो भाई वही तो शहर के लोग बोल रहे हैं हर जगह बन के रेडी है, वो वहां मिलेगा, आप जाके मेरे साथ में चलो, हां लोग कुछ मिल नहीं रहा है मेरे साथ, देखो स्ट्रक्चर बन के खड़ा है, काम पूरा हो चुका है, जनता नहीं कह रही है, ये जो व्हाट्सएप वाले वाले ना वो लोग के सवाल है, लोग काम कर रहे हैं कि हमको 15 साल में कुछ नहीं, वो व्हाट्सएप ये खेलने वाले भी बुमराह के ही रहने वाले हैं ना भाई, तो उनका काम है, काम है, अपोजिशन है, देखो आप 100% लोगों को गिनाना नहीं है और बुराई को बुरे काम को जो है ये करना